लॉ ऑफ टॉट्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी से जुड़े दो इम्पोर्टेंट केस लॉज को डिटेल में समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के बारे में और दूसरा विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। दीज आर द टू लीडिंग केसेस ऑन प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी को डिटेल में कवर किया था और हमने ये जाना कि प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी के तहत फॉर द एवरी रॉन्ग डन बाय एम्प्लॉई एम्प्लॉयर इज हेल्ड लाइबल इफ दैट रॉन्गफुल एक्ट इज बीइंग डन इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और हमने ये भी जाना फॉर एवरी रॉन्गफुल एक्ट बीइंग डन बाय एजेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रिंसिपल इज हेल्ड लाइबल एंड एट लास्ट फॉर एवरी रॉन्गफुल एक्ट बीइंग डन बाय सर्वेंट मास्टर इज हेल्ड लाइबल इफ दैट एक्ट इज बीइंग डन इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी में हमने तीन रिलेशनशिप को देखा, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप। आज इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी से जुड़े दो लीडिंग केसेस के बारे में बात करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा क्लारिफाई करते हुए इस टॉपिक को एंड कर देंगे। इस वीडियो के बाद हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल, इन दोनों प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे और उसके बाद हम वेरियस एक्ट विच आर कॉन्सिडर्ड एज टॉर्ट, जिसमें डिफेमेशन है, बैटरी है, असॉल्ट है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, राइट, इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप वीडियो में नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके बीच ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। चलिए, तो अगर आप वीडियो में नए हो तो मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले उस वीडियो को देखो, ताकि वाइकेरियस लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। तो दो केसेस हैं हमारे पास और जब कभी भी हम वाइकेरियस लाइबिलिटी को पढ़ेंगे हम इन दोनों केसेस को रेफर करेंगे। पहला है कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और दूसरा है विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये जो हमारा पहला केस है कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये वाइकेरियस लाइबिलिटी से जुड़ा हुआ भी है और हम ये कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो नॉट कनेक्टेड विथ वाइकेरियस लाइबिलिटी। अगर हम बात करें इस केस के फैक्ट्स के बारे में तो कस्तूरी लाल वॉज अ पार्टनर इन अ फॉर्म, कस्तूरी लाल किसी फॉर्म में पार्टनर थे, हु इज एन एपुलेंट एंड हु डील्ड विद सेलिंग ज्वेलरी इन अमृतसर। तो इस केस में जो एपुलेंट है, जो अपील करता है, वो है कस्तूरी लाल और ये अमृतसर में एक फॉर्म थी जो कि डील करती थी गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी में, उसमें ये एक पार्टनर थे। कस्तूरी लाल फॉर बिजनेस पर्पस मेरठ पहुंचते हैं विथ हिज एम टू सेल गोल्ड एंड सिल्वर देयर। ही वॉज टेकन इन टू कस्टडी बाई थ्री पुलिस कॉन्स्टेबल्स, और मेरठ में इन्हें तीन पुलिस कॉन्स्टेबल्स के द्वारा पकड़ लिया जाता है इस संदेह से कि इनके पास जो गहने हैं, इनके पास
जो ऑर्नामेंट्स हैं वो चोरी के हैं, तो इस बेसिस पर पुलिस इन्हें मेरठ में पकड़ लेती है, इनके प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाता है और कस्तूरी लाल को पुलिस अपने कस्टडी में रख लेती है। कुछ दिनों के बाद कस्तूरी को बेल पर रिलीज कर दिया जाता है पर्सनल बॉन्ड लेकर के, लेकिन इन्हें केवल सिल्वर ऑर्नामेंट्स ही लौटाया जाता है, पुलिस अपने पास गोल्ड को रख लेती है। कस्तूरी कई बार पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करते हैं कि पुलिस ऑफिसर उन्हें उनका गोल्ड लौटा दे, और जब ऐसा नहीं होता है तो कस्तूरी लाल उन पुलिस वालों के खिलाफ एक सूट फाइल कर देते हैं। रेस्पोंडेंट रेजिस्टेड द क्लेम एंड कंटेंडेड दैट दे वर नॉट लाइबल टू रिटर्न द गोल्ड और पे द वैल्यू ऑफ गोल्ड विद इंटरेस्ट। तो जो रेस्पोंडेंट होते हैं यानी जो पुलिस वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि वो उस गोल्ड को लौटा नहीं सकते हैं, ना ही उस गोल्ड के इक्विवेलेंट कैश विद इंटरेस्ट इन फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन कस्तूरी को दे सकते हैं। रेस्पोंडेंट क्लेम्ड दैट मोहम्मद आमिर हु वॉज हेड कॉन्स्टेबल एट दैट टाइम वेंट पाकिस्तान विद गोल्ड एंड अदर कैश ही हैड स्टोलन। तो जो पुलिस वाले होते हैं उनका ये कहना होता है कि उन्हीं में से एक पुलिस कॉन्स्टेबल जिसका नाम मोहम्मद अमीर था, उसने उन गोल्डन ज्वेलरीज को अपने साथ और कुछ कैश को अपने साथ लेकर के पाकिस्तान भाग गए। पुलिस हेल्ड दैट दे ट्राइड देयर बेस्ट, पुलिस ने यह कहा कि उसने अपनी पूरी कोशिश करी, बट डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स बाय पुलिस डिपार्टमेंट्स दे कुड नॉट डू एनीथिंग एंड क्लेम्ड दैट दे कुड नॉट बी हेल्ड गिल्टी। तो पुलिस वालों ने अपने सफाई में ये कहा कि उन्होंने भरसक प्रयास किया मोहम्मद आमिर को खोजने का, लेकिन मोहम्मद आमिर उन्हें नहीं मिला। और क्योंकि पुलिस वालों ने अपना पूरा एफर्ट्स लगाया था तो इसलिए पुलिस वाले लाइबल नहीं है। नाउ व्हाट वाज द कोर्ट डिसीजन इन दिस केस, इस केस में कोर्ट का क्या डिसीजन आया? जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड ऑन द मैटर एंड स्टेटेड दैट एक्ट वाज डन बाय पुलिस ऑफिसर इन एक्सरसाइज ऑफ देयर सोवरेन पावर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो एक्ट किया गया था पुलिस ऑफिसर के द्वारा, इट वाज बीइंग डन इन एक्सरसाइज ऑफ सोवरेन पावर, वो पुलिस ऑफिसर अपने सोवरेन पावर का इस्तेमाल कर रहा था। The court held that it was negligent on the part of respondent's employee, but employee himself was discharging his sovereign powers. तो court ने ये कहा कि हाँ उस पुलिस officer के द्वारा negligent हुआ है, लेकिन क्योंकि वो पुलिस officer अपने sovereign powers का इस्तेमाल कर रहा था और जो कुछ भी उसने किया जैसे प्रॉपर्टी को सीज करना, पुलिस कस्टडी में रखना, ये सभी एक्ट सोवरेन पावर के तहत उसे मिला हुआ है और वाइकेरियस लायबिलिटी के अंदर सोवरेन पावर के तहत जो भी एक्ट किया जाता है वो नहीं आता है। एक्ट्स फॉलिंग अंडर द एक्सरसाइज ऑफ सोवरेन पावर इज कंसिडर्ड एज इम्यूनिटी, राइट। अब जैसे पावर टू अरेस्ट अ पर्सन, टू सर्च हिम, टू सीज हिज प्रॉपर्टी आर पावर्स कन्फर्ड ऑन द पुलिस ऑफिसर्स बाय स्टैट्यूट ऑफ सोवरेन पावर्स, हेंस द स्टेट वाज हेल्ड टू बी नॉट लायबल। तो इस केस में बेसिकली थोड़ा अजीब, थोड़ा अलग डिसीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जो भी डिसीजन दिया गया इट वॉज नॉट फेयर, वो डिसीजन फेयर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी एक्ट उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया गया, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन कस्तूरी लाल को अरेस्ट करना, उसके प्रॉपर्टी को सीज करना, पुलिस कस्टडी में रखना, ये सभी सोवरेन एक्ट के तहत आता है और इसलिए स्टेट लायबल नहीं है, राइट। तो बेसिकली
इस केस में ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि किंग कुड डू नो रॉन्ग, जो सोवरन पावर है वो कभी भी गलत नहीं कर सकता है, इसलिए जो कुछ भी मिस्टर आमिर ने किया वो टोटली सोवरन पावर के तहत किया गया और वो सभी एक्ट्स रॉन्गफुल एक्ट नहीं है, और क्योंकि जो भी एक्ट किया गया वो सोवरन पावर के अंतर्गत किया गया तो स्टेट इज नॉट लाइबल, राइट। सो दिस वॉज द अनफेयर डिसीजन एंड क्रिटिसाइजिंग जजमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, राइट। अब एक और केस है हमारे पास विच इज विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाइकेरियस लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को और भी ज्यादा क्लारीफाई किया। तो व्हाट वाज दिस केस, आइए समझते हैं। इस केस में लोकुमल इज बेसिकली डिपेंडेंट नंबर वन, प्रतिवादी एक है, और स्टेट ऑफ राजस्थान प्रतिवादी दो है, यानी डिपेंडेंट नंबर टू। लोकुमल वॉज अ टेम्पोररी एम्प्लॉय, तो ही वॉज अ टेम्पोररी एम्प्लॉय वर्किंग इन कैपेसिटी ऑफ मोटर ड्राइवर ऑन प्रोबेशन इन स्टेट ऑफ राजस्थान। तो बेसिकली लोकुमल एक टेम्पोररी ड्राइवर थे जो कि मोटर ड्राइवर के हैसियत से स्टेट ऑफ राजस्थान के तरफ से एम्प्लॉयड थे और पब्लिक ऑफिशियल्स को उनके ऑफिस से उनके घर लाने जाने का काम किया करते थे। ही वॉज एम्प्लॉयड एज ड्राइवर ऑफ गवर्नमेंट जीप कार। व्हेन लोकुमल वॉज ड्राइविंग द कार, जब ये कार चला रहे थे बैक अलोंग द पब्लिक रोड आफ्टर रिपेयर्स वर फिनिश्ड, तो जब जिस जीप के ये ड्राइवर थे उस जीप का रिपेयरिंग करा करके ये रोड से जा रहे थे, तो जगदीश लाल हु वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, जगदीश लाल को लोकुमल ने जीप से टक्कर मार दिया। एक्सीडेंट रिजल्टेड टू मल्टीपल इंजरीज, और इस एक्सीडेंट से जगदीश लाल को कई चोटें आईं और कुछ दिनों के बाद जगदीश लाल एक्सपायर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दोज इंजरीज, राइट। अब जो प्लेंटिफ की वाइफ है, यानी जो जगदीश लाल थे इनकी वाइफ जिनका नाम विद्यावती था, और विद्यावती 3 साल की एक डॉटर भी थी, तो विद्यावती ने लोकुमल और स्टेट ऑफ राजस्थान के अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया और 25,000 रुपए के जुर्माने की बात की, कॉम्पनसेशन की बात की फ्रॉम बोथ डिफेंडेंट्स, राइट। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती वॉज रिव्यूड बाई सुप्रीम कोर्ट, तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिव्यू किया और कोर्ट ने स्टेट ऑफ राजस्थान के प्ली को फॉर एग्जाम्पशन रिजेक्ट कर दिया एंड हेल्ड दैट स्टेट वॉज लाइबल फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्ट ऑफ ड्राइवर लाइक एनी अदर एम्प्लॉयर। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो डिसीजन कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए, जो भूल सुप्रीम कोर्ट से हुई उसे ना दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन कर दिया विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। द जजमेंट इज द फर्स्ट एवर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिसीजन डीलिंग विद इश्यू ऑफ लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फॉर द टॉर्शियस एक्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉय। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर द एवरी टॉर्शियस एक्ट बीइंग डन बाय एम्प्लॉय स्टेट इज हेल्ड लाइबल। द केस लेड डाउन इन क्लियर टर्म्स दैट ड्राइविंग अ जीप कार
by driver from workshop to collector's residence was not a part of sovereign function of state. तो कोर्ट ने कहा कि क्योंकि हम ये जानते हैं कि सोवरेन पावर्स के तहत जिन भी एक्ट को किया गया है वो एक्ट एग्जम्पशंस में आते हैं, वो एक्ट एक्सेप्शन में आते हैं प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी के लिए. लेकिन जो ड्राइवर है उसका वर्कशॉप से अपने कार को या अपने जीप को चलाना और कलेक्टर के रेजिडेंस तक आना ये बेसिकली पर्सनल काम है और सोवरेन एक्टिविटीज के तहत नहीं आता है. इसलिए यहाँ पे लाइक ऑर्डिनरी एम्प्लॉयर दैट पब्लिक ऑफिशियल इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉय, राइट. तो ये थे दो लीडिंग केसेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी, पहला कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और दूसरा विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करी. तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही आप कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कर सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे.